दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं बैकफ्लिप सीखने के लिए। जैसे मैं इस वीडियो में बैकफ्लिप कर रहा हूं वैसे आपको भी सिखाऊंगा, बस आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप एकदम परफेक्ट बैकफ्लिप मारेंगे और 2 से 3 दिन में आप लोग बैकफ्लिप मारना सीख जाएंगे। सो गाइस ये है बैकफ्लिप, आपको बिल्कुल आसान तरीका, बहुत ही बेसिक स्टेप में आपको सिखाऊंगा, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे, आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, अगर 10 सेकंड 20 सेकंड भी स्किप कर देते हैं, 20 सेकंड भी भगा देते हैं इस वीडियो को, तो आप लोग भाई कसम से बोल रहा हूँ सीख नहीं पाएंगे। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अगर आपको भी सीखना है बैक फ्लिप, बहुत ही आसान तरीका भाई कसम से, ऐसा यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो देखने को मिलेगा तो बताएंगे, अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग आता है तभी आप बैक फ्लिप सीखेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा स्टेप बताऊंगा अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग नहीं आता है डायरेक्ट आप बैक फ्लिप सीख जाएंगे कुछ ऐसे। ये देखिए, सो गाइस ये है बैक फ्लिप और सेकेंड वाला मारा बैक हैंड स्प्रिंग के पास बैक फ्लिप। तो आपको सिखाऊंगा मात्र 5 से 10 दिन में आप लोग ऐसे एकदम क्लियर परफेक्ट मारने लगेंगे, बस करना यही है आपको। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो भाई जिंदगी का 5 से 10 मिनट निकाल के और इस वीडियो को देखिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ भाई, कोई गारंटी नहीं लेता लेकिन 100% गारंटी लेता हूँ। जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा अगर आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो मात्र 5 से 10 दिन में एकदम परफेक्ट बैक फ्लिप मारेंगे कुछ ऐसे भाई, एकदम परफेक्ट कर दूंगा ठीक। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग अगर स्टंट करें तो भाई कहीं अच्छे जगह पे करें, जैसे मैं घास पे कर रहा हूँ ठीक है, ग्रास पे या पुआर पे, मतलब ऐसा जगह खेत में करिए, मतलब कि जहाँ गिरने पे चोट ना लगे, क्योंकि अगर आप लोग हार्ड सरफेस करेंगे तो गिर जाएंगे तो भाई चोट बहुत तेज लगता है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आपको पहले एक्सरसाइज दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचते हैं भाई क्या बकवास कर रहा है, जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भाई, आप लोग एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज करिए, उसके बाद से डायरेक्ट बैकफ्लिप अटेम्प्ट करेंगे तो भाई 5 से 10 दिन में तभी सीखेंगे भाई। जो जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसी को आप लोग फॉलो करिए, ऐसा नहीं कि बैक फ्लिप जब करने जाए तभी ये एक्सरसाइज करे, कोई सा भी फ्लिप कोई सा भी स्टंट करने जाए तो ये एक्सरसाइज करके स्टंट करे ठीक है। तो आप लोग सोचते हो कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक्सरसाइज करके स्टंट करने जाएंगे तो आप गिरेंगे तो भाई मतलब चोट बहुत कम लगेगा ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर इधर उधर लचीलापन हो गया होगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करके स्टंट करेंगे तो थोड़ा सा भी गिरेंगे तो भाई हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, पैर फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब टूट सकता है। तो आप लोग एक्सरसाइज करके स्टंट करिएगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं जो चीज आपको 10 दिन में सीखना होगा 20 दिन में सीखना होगा वो मात्र आप लोग 5 दिन के अंदर सीख जाएंगे। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो चीज आपको 10 दिन में सीखना होगा, जो चीज 5 दिन में सीखना होगा वो आपका महीना भी लग जाएगा तभी नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज करके स्टंट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक। तो चलिए आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज दिखाते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है जिससे कि बैकफ्लिप इंप्रूव होगा और 5 से 10 दिन में आप लोग बैकफ्लिप सीख जाएंगे। तो चलिए तो गाइस ये था कुछ एक्सरसाइज, और अब सबसे इम्पोर्टेंट वाला एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूँ ठीक है। ये तो बेसिक सा एक्सरसाइज था, और जो अब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ भाई, अगर आप लोग बैकफ्लिप सीखने से पहले अगर कर लेते हो तो भाई 5 से 10 दिन के अंदर बैकफ्लिप सीख जाएंगे, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए आपको इम्पोर्टेंट वाला एक्सरसाइज दिखाते हैं कि कैसा एक्सरसाइज करेंगे तो 5 दिन से 10 दिन के अंदर में सीखेंगे। तो ये एक्सरसाइज रहा, देखिए करना ये है आपको, देखिए आपको खड़ा हो जाना है और ये हाथ दोनों हाथ को ऐसे ऊपर कर लेना है ठीक है। कुछ ऐसे ऊपर करने के बाद से ये देखिए आपको बस करना यही है कि थोड़ा सा बैठ के ऐसे ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना, देखिए ऐसे करके, और ये पहले ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है। ये जब भी हाथ आपका जब भी ये आपका हाथ नीचे जाएगा तो आपको नीचे बैठना है, देखिए जब भी आपका हाथ नीचे जाएगा तो नीचे बैठना है ठीक, और जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर खड़ा हो जाना है, जैसे ही हाथ नीचे जाएगा तो नीचे बैठना है। और अब यहाँ पे आपको एक स्टेप बता रहा जो कंबाइन करना है कुछ ऐसे, ये देखिए जब भी आप ऐसे करिए तो आप बैठ जाइए ठीक है, ऐसे बैठ के आपको ड्राइव मारना है ठीक है, ऐसे भाई सबसे इम्पोर्टेंट है यार। आपको ये छोटा सा लगता होगा लेकिन सीखना है तो भाई जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप स्टेप फॉलो करिए, मैं पूरा भाई विश्वास दिलाता हूँ आपको सिखा के रहूँगा। तो ये देखिए जब भी आप बैकफ्लिप करें तो कम से कम 20 से 30 या 50 बार जितना मन कर उतना ये प्रैक्टिस करे तभी आपके माइंड में आइडिया आएगा। ये देखिए कुछ ऐसे,
देखिए ये वाला कर लेते हैं आप, तो इसके बाद से जो स्टेप बता रहा उसको आप फॉलो करें। देखिए कुछ ऐसे, देखिए जैसे ये कर ले रहे हैं तो आपको जंप करके आप करना है। देखिए आपको जंप करना है ऐसे, ऐसे आप लोग जंप कर लेते हैं, उसके बाद से मतलब ऊपर जंप नहीं करना है, बस आपको पहले ये स्टेप फॉलो करना है। हाँ ऐसे कर लेते हैं तो ये हाथ आपका ऊपर जाता है, लेकिन आपको ऊपर फेंकना नहीं है, अभी कुछ ऐसे करना है। ये देखिए ठीक, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है पहले। Till I get up, time is barely on our side. भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको ये छोटा सा लगता है लेकिन छोटा नहीं है बहुत भाई। अगर ये सीख लेते हैं तो टाइम नहीं लगेगा भाई आपको बैकफ्लिप सीखने में। ये इम्प्रूव करिए आप पहले, और अगर ये इतना इम्प्रूव हो जाता है तो चलिए आपको स्टेप बताते हैं कि कैसे कैसे फॉलो करके आपको बैकफ्लिप इम्प्रूव करना है। देखिए कुछ ऐसे आपको इम्प्रूव कर, ये वाला स्टेप तो आप सीख ही गए हैं कुछ ऐसे करने के लिए। ये वाला स्टेप अगर आप लोग सीख गए हैं, देखिए करना ये है कि थोड़ा सा आपको लेग से जंप करना है कुछ ऐसे। ये देखिए ऐसे करके थोड़ा सा साइड लेके जंप करना है, थोड़ा सा आपको साइड लेके और जंप करना है कुछ ऐसे। ये देखिए ऐसे कर लिए ना, तो आपको थोड़ा सा इस साइड लेके जंप करना है थोड़ा सा, मतलब माइंड में आपको बस डर हटना चाहिए भाई, डर पूरा निकालना चाहिए। मैं आपको पूरा डर निकाल लूँगा, जो जो स्टेप बता रहा उसको फॉलो करें। देखिए कुछ ऐसे, और थोड़ा सा झुक के ऐसे करना है। ये देखिए बस ऐसे आप लोग कोशिश करते रहिए, कम से कम भाई कम से कम 20 से 30 या 50 बार प्रैक्टिस करिए ऐसे। देखिए ऐसे आप लोग किसी भी दोस्त को बोलिए भाई थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। ये सबसे भाई बेसिक स्टेप है यार, आपको पूरा क्लियर सिखा दूंगा बैकफ्लिप करने के लिए कुछ ऐसे। देखिए इतना हो जाता है तो आपको कैसे इंप्रूव करना है, ये देखिए आपको डेली थोड़ा डर निकालिए भाई। आप क्यों डर रहे हैं भाई, अगर आपको सीखना है तो डर को निकालना पड़ेगा भाई। अगर आपको सीखने का मन नहीं है तो भाई छोड़ दीजिए, भाई छोड़ दीजिए ये सब करना। लोग इतना भाई ड्रामा बना लेते हैं, ऐसे गिरेंगे वैसे चोट लगेगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, चोट नहीं लगेगा भाई। आप लोग एक बार कोशिश तो करिए भाई, डर को निकालिए। चलिए इतना हो जाने के बाद से रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे ये स्टेप बताए हो बहुत ही आसान है भाई, बहुत ऐसा यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा। लोग सिखाते हैं अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग आएगा तभी आप बैक फ्लिप सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग नहीं आएगा फिर भी आपको मैं बैक फ्लिप सिखा दूंगा डायरेक्ट। इतना स्टेप तो बता दिया हूँ, अब इसके आगे वाले स्टेप देखिए। अब इतना इंप्रूव हो जाए तो बस आपको ऐसे जंप करने की कोशिश करना है, थोड़ा साइड लेके मारने की कोशिश करना है। ये देखिए कुछ ऐसे ठीक है, ये देखिए भाई ऐसे अगर साइड लेकर मारेंगे तो भाई डर निकलेगा, और ऐसे कोशिश करते करते आप कुछ ऐसे करने लगेंगे। देखिए कुछ ऐसे ठीक, कोशिश करेंगे तभी होगा भाई, प्रैक्टिस करिए रेगुलर, कम से कम 3 से 4 घंटा इसमें दीजिए अगर सीखना है तो। देखिए ऐसे बस प्रैक्टिस करना है आपको, बस थोड़ा साइड लेकर मारेंगे तो भाई कन्फर्म है कि आप सीख जाएंगे, डर निकल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे कि भाई ये तो टक कर रहा है, ऐसे पकड़ रहा है, चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप टक करके स्टंट करेंगे। तो पहले ये आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको इतना इम्प्रूव हो जाए तो कुछ ऐसे। ये देखिए अगर इतना आपको इम्प्रूव हो जाता है तो भाई उसके बाद से आप लोग इतना इम्प्रूव हो जाता है, बस आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि भाई आप लोग टक कैसे करेंगे, इतना इम्प्रूव करने के बाद से आपको सिखा दूंगा, पहले इतना परफेक्ट करिए आप लोग, क्योंकि बहुत जल्द 5 से 6 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा कि टक कैसे करते हैं। तो आप लोग पहले ये सब सीख लीजिए, और भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए आप लोग ये वीडियो जो है कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।